खाजूवाला क्षेत्र में अज्ञात जानवर को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। शनिवार देर रात्रि खाजूवाला क्षेत्र के 19 केवाईडी में अज्ञात जानवर होने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अज्ञात जानवर को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल अब भी बरकरार है। वन विभाग की टीम के द्वारा मौके पर अज्ञात जानवर के पैरों के आधार पर वन विभाग की टीम तलाश में जुटी है। पूरी रात ग्रामीणों की मौजूदगी में वन विभाग की टीम ने अज्ञात जानवर को तलाशने का काफी प्रयास किया, लेकिन इधर उधर छिपने के कारण जानवर नहीं मिल पाया। रविवार सुबह ही क्षेत्रीय वन अधिकारी कपिल चौधरी के नेतृत्व में एक बार फिर वन विभाग की टीम ने अज्ञात जानवर को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। बताया जा रहा है कि अज्ञात जानवर के कारण घर में बंधे पशुओं पर हमला किया गया, जिसमें एक पशु के खरोंच भी आई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जानवर को पहले भी कहीं देखा गया है। हालांकि वन विभाग अभी भी इस जानवर के बारे में कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस जानवर के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल अवश्य बना हुआ है। 19 के वाईडी में कल शाम को सूचना मिली कि एक अज्ञात जानवर आया हुआ है, तो जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची तो हमने सारों ने मिलकर के उसके जो निशान थे पक्षी ने थे उनके आधार पर उनका पक्षी ने का पीछा किया तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये किसी कुत्ता प्रजाति का जानवर है। लगभग सियार से मिलते उसके पैर है। किसी प्रकार का फिलहाल उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया है। ग्रामीणों के बताए अनुसार हम लगभग नरमे की फसल वगैरह में पूरी रात से देख रहे हैं, सुबह भी हमने देखा है, तो ऐसा फिलहाल तो कोई देखने में नहीं मिला है कि कोई इतना खतरनाक जानवर हो। कोई वन्य जीव तो नहीं है, ये सियार प्रजाति का जीव है। और हमारा तो ग्रामीणों से यही अनुरोध है कि कृपया वो अपने पशुओं वगैरह का ध्यान रखें, आगे से ऐसी कोई यदि सूचना मिले तो हमें तुरंत प्रभाव से वन विभाग को सूचना दें। साहब वो कुत्ता टाइप में है, बड़ो लंबी नस है और वो एकदम में पाड़ी के अंदर पड़ी हो, पाड़ी चिल्लाई पर मैं बहादुर गया तो नरमा पड़ गया था वो। जटिंग के बाद में गांव अड़ोस पड़ोस आ गया, वन भी आ गई, टीम भी आ गई, भाई ने भी चेक की करी और जांच करी भी, पग पग देखा और देखा काफ़ी देर टाइम ने भी नरमा में देखा है, मैंने मिलियो को नहीं वो बन बन दे खाड़ी जाने सूचना नहीं दी। साहब टीम भाई मौके की वहाँ आगे जांच करी, देखभाल करी।